साल 2022 अब खत्म होने को है और इस साल कई बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। आखिर कौन सी वो फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पाठक और आप देख रहे हैं फ्राइडे हाउसफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस साल की सबसे बड़ी फिल्म की। इस साल KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई, जिसमें रॉकिंग स्टार यश के साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए था, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 1228 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ साथ इस फिल्म ने छोटी मानी जाने वाली कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को भी एक नया मुकाम दिया। साल की दूसरी बड़ी फिल्म भी साउथ से ही आई, इसका नाम था RRR। इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR ने लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी नजर आए थे, लेकिन करीब 425 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1123 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ साथ इस फिल्म को ऑस्कर में भेजने की मांग भी तेजी से उठी थी। इस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बॉलीवुड से आई, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और नागार्जुन का कैमियो भी नजर आया, जिसको लोगों ने बेहद सराहा था। अयान मुखर्जी की इस फिल्म को बनने में करीब 11 साल का वक्त लगा और इस फिल्म की लागत करीब 315 करोड़ रुपए थी। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे मिक्स रिव्यूज मिले थे, लेकिन जैसे जैसे दर्शकों ने इस फिल्म को देखा, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 500 करोड़ की कमाई कर ली और ये बॉलीवुड की इस साल की बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई। हमारे काउंटडाउन की चौथी फिल्म भी साउथ से ही आई है और इस फिल्म का नाम है विक्रम। फिल्म में विक्रम की भूमिका साउथ की सुपरस्टार कमल हासन ने निभाई थी और उनका एक्शन अवतार देखकर दर्शक कुर्सियों से चिपके रह गए थे। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, हालांकि ये स्लो हिट थी। इस फिल्म की लागत करीब 115 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 424 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। साल की पांचवी बड़ी हिट फिल्म थी PS1, जो कि दक्षिण भारत के चोला साम्राज्य पर आधारित थी। इस फिल्म का डायरेक्शन मणिरत्नम ने किया था और कई सालों बाद इस फिल्म में बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय भी नजर आई थी। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया, खासतौर पर इसके कॉस्ट्यूम की बेहद चर्चा हुई थी। फिल्म का बजट करीब 210 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई की। छठवें नंबर पर फिल्म है देश की सबसे विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल। इसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री थे और ये फिल्म साल 1990 में कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में जो अत्याचार हुए थे उस पर आधारित थी। फिल्म को लेकर देश भर में कई विवाद भी हुए, लेकिन 20 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में करीब 344 करोड़ का कारोबार किया था। काउंटडाउन के सातवें नंबर पर जो फिल्म है उसकी सक्सेस ने पूरी दुनिया को चौंकाया। जी हाँ, फिल्म का नाम है कांतारा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की ये लो बजट फिल्म करीब 15 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अभी तक करीब 335 करोड़ का कारोबार किया है और अभी भी कई देशों में इस फिल्म को दिखाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये 500 करोड़ रुपए की कमाई को भी क्रॉस कर जाएगी। काउंटडाउन के आठवें नंबर की फिल्म बॉलीवुड की दूसरी सबसे सफल फिल्म थी, जिसका नाम था भूल भुलैया 2। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, KR आडवाणी और तब्बू नजर आए थे। फिल्म 7 साल पहले बनी भूल भुलैया का सीक्वल था, जिसमें मंजुलिका की भूमिका में तब्बू थी। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। भूल भुलैया 2 का बजट करीब 75 करोड़ रुपए था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने करीब 263 करोड़ रुपए की कमाई की। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है बीस्ट। इस फिल्म में जोसेफ विजय और पूजा हेगड़े नजर आए थे। फिल्म की कहानी चेन्नई के एक शॉपिंग मॉल को टेररिस्ट द्वारा हाईजेक करने की कहानी है। इस फिल्म का बजट करीब 130 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने करीब 227 करोड़ का कारोबार किया। आखिरी फिल्म भी बॉलीवुड से ही है, जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। ये फिल्म मुंबई के कमाठीपुरा की गंगूबाई के जीवन पर आधारित थी और इस फिल्म में आलिया भट्ट के किरदार की लोगों ने जमकर तारीफ की थी। इस फिल्म में आलिया की एक्टिंग के कई पहलू निखर कर सामने आए थे। फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली थे और इन्होंने जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म में दिखाई थी। फिल्म का बजट करीब 125 करोड़ रुपये था, लेकिन वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने करीब 203 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
हालांकि इस साल बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई, लेकिन दृश्यम 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा साउथ की भी कई फिल्मों ने बहुत अच्छा कारोबार किया है। तो यह था साल 2022 की फिल्मों का लेखा जोखा। जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, हमने वो काउंटडाउन आपको बताया। आप हमारी लिस्ट से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ विनीत पाठक और आप देख रहे थे फ्राइडे हाउसफुल।